अगर नफ़स को ढीला होने से बचाना चाहते हो तो 3 चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर दो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मर्द की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ मर्द जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होता है और मर्द की जिस्मानी ताकत भी कमज़ोर पड़ती है। फिर मर्द औरत के साथ इस तरह हम बिस्तरी नहीं कर सकता जिस तरह एक जवान मर्द अपनी जवानी में औरत के साथ करता है जब मर्द जवान होता है। तो इसके नफ़स की ताकत बहाल रहती है, इसका नफ़स टाइट और ताकतवर होता है, लेकिन जो ही मर्द बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है तो इसके नफ़स की ताकत कमज़ोर पड़ती है और इसका नफ़स ढीला हो जाता है। बाज़ औक़ात गैर सेहतमंद ग़िज़ा खाने से भी नफ़स ढीला हो जाता है। अगर नफ़स को ढीला होने से बचाना चाहते हो तो 3 चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर दो। नंबर 1, मीठी चीज़ें खाना बंद कर दो। अगर नफ़स को ढीला होने से बचाना चाहते हो तो मीठी चीज़ें खाना बंद कर दो, क्योंकि मीठी चीज़ें खाने से मर्द की खून गर्म हो जाती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मर्द के जिस्म में गर्मी आ जाती है और जिस्म में ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से मर्द का नफ़स अकड़ जाता है और हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश करने लगता है। जिस्म में ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से मर्द घंटों तक लगा रहता है, लेकिन मर्द को इस वक्त कमज़ोरी का एहसास नहीं होता। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर मर्द का नफ़स इंतहाई ढीला पड़ जाता है और कमज़ोरी की वजह से फिर नफ़स खड़ा भी नहीं होता। नंबर 2, मसालहादार चीज़ें खाना बंद कर दो। अगर नफ़स को ढीला होने से बचाना चाहते हो तो खाने में ज़्यादा मसालेदार चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि ज़्यादा मसालहादार चीज़ों के इस्तेमाल करने से मैदा ख़राब हो जाता है। जब मैदा अच्छी तरह काम नहीं करता तो फिर मर्द के बाकी अज़ा भी ठीक तरह से काम नहीं करते। ज़्यादा मसालेदार और स्पाइसी चीज़ें खाने से मर्द जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और जब मर्द डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका नफ़स ढीला पड़ जाता है। हम बिस्तरी के दौरान नफ़स का ढीला पड़ जाना मर्द के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है, क्योंकि मर्द औरत को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। अगर औरत के सामने इस रसवाई से बचना चाहते हो तो मसालहादार अस्पासा चीज़ें खाना बंद कर दो। नंबर 3, आयली चीज़ें खाना बंद कर दो। अगर नफ़स को ढीला होने से बचाना चाहते हो तो खाने में आयली चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दो। आयली चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े, पराठा और मिठाई वगैरह का इस्तेमाल करना सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर होता है। जब कोई मर्द ऐसी आयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो फिर ऐसे मर्द की हमबिस्तरी के दौरान टाइमिंग इंतहाई कम होती है, क्योंकि आयली चीज़ें इस्तेमाल करने से मर्द के नफ़स की रगें गर्म हो जाती है और नफ़स इतना गर्म हो जाता है कि मर्द हर वक्त हमबिस्तरी का सोचता है। लेकिन हमबिस्तरी के दौरान ऐसे मर्द का नफ़स इंतहाई ढीला होता है और मर्द औरत को फारग भी नहीं कर सकता।